पश्चिम बंगाल में जगह जगह कोविड के केसेस के साथ डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोलकाता पौर सभा यानी कि कोलकाता नगर निगम के साथ साथ बाकी सारे इलाकों में सारी वो बातें रखी जा रही हैं ध्यान में, जिसके जरिए इसकी रोकथाम की जा सके। डेंगू के केसेस और बाकी सारे मामलों के बढ़ने की वजह से इस समय जगह जगह पर खुद कोलकाता के काउंसलर्स मास्क बांट रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, सजगता बढ़ा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है जगह जगह पर, और उसके साथ ध्यान रखा जा रहा है कि अनाउंसमेंट्स किए जाएं ये सचेतन लोगों को करने के लिए। असीमदा क्या क्या ध्यान में रखा जा रहा है, असीमदा क्या क्या ध्यान में रखा जा रहा है इस बार जो आप बांट रहे हैं मास्क और केसेस की वजह से, क्या क्या ध्यान में रख रहे हैं? देखिए एब्सोल्युटली एक तो चीज है कि हम लोग सबको अवेयर कर रहे हैं कि आप दो डोज ले लीजिए। हालांकि हमारे इस वार्ड में ऑलमोस्ट सबको का फर्स्ट डोज वैक्सीन हो गया, मैक्सिमम लोगों का सेकेंड डोज भी हो गया, लेकिन जो बाकी है उनको हम लोग बोल रहे हैं कि आप आके ले लीजिए। सेकेंडली हम लोग जानते हैं कि थर्ड जो सेकेंड फेज का जो है इसमें बच्चे लोग का बहुत भूमिका नजर आ रहा है, उस जगह से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे भी थोड़ा सुरक्षित रहे, और इसीलिए हम लोग पेरेंट्स को सूचित कर रहे हैं कि आप बच्चे को भी सब जगह मिलने मत भेजिए, क्योंकि बच्चे का अंदर से संक्रमित होके ये फिर आप लोग को आएगा। डिवास्टेटिंग होगा कि फैटल होगा ये अलग बात है, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये चीज में हम लोग गौर कर रहे हैं। साथ में डेंगू भी है, मलेरिया भी है, उसमें भी हम लोग बोल रहे हैं। देखिए बस्ती में बहुत जगह आप देखिएगा कि पानी भर के रखते हैं, तो हम लोग उनको सूचित करते हैं कि भाई आप ये भरो पानी स्टोर करो, लेकिन उसको ढक के रखो, क्योंकि ये जो मॉस्किटो है ये मॉस्किटो 7 दिन लगता है एडल्ट बनने के लिए, और ये इनको ये एक नहीं ले कर सके, इसीलिए इसको ढक के रखने से पानी नहीं मिलेगा तो मॉस्किटो अपना अंडा नहीं देगा। केएमसी की तरफ से क्या क्या वो सारी बातें ध्यान में रखी जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है, जैसे अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं आप? एब्सोल्युटली एक तो माइकिंग किया जा रहा है, हमारे मेयर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बॉबी हकीम ने भी बोला है, हमारे डेप्यूटी मेयर अतिन घोष भी बोल रहे हैं जो हेल्थ देखते हैं, तो हम लोग सब वार्ड में 144 वार्ड में हम लोग माइकिंग कर रहे हैं, और हम लोग एक एक जगह एक एक बस्ती जाके हम लोग सभी से मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहेंगे, आप काम में निकल रहे हो लेकिन आप कहाँ से संक्रमित होके फिर घर में आके आपका घर में जो बुजुर्ग है उनको आप दे देंगे तो वो रिस्की हो जाएगा, तो इसीलिए आपको सुरक्षित रहना है, दो डोज लेना है, मास्क डेफिनेटली पहनना है। मास्क पहनने से आप 100% सुरक्षित नहीं है, लेकिन 30-40% यू आर सुरक्षित, तो ये सब चीज हम लोग बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग आप देखेंगे हम लोग मास्क लेके भी निकल रहे हैं, तो जिसके पास मास्क नहीं है उनको अवेयर करना कि मास्क पहनना। अवेयरनेस ही एकमात्र सबसे बड़ा सोल्यूशन है, सिर्फ अवेयरनेस के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि क्योंकि लगातार बारिश हो रही है कोलकाता में पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से पानी जल जम रहा है कई जगहों पर, और उसके साथ लोगों को भी ये बताया जा रहा है कि कहीं भी अगर पानी जमा हो तो संग जो कॉर्पोरेशन है उसे बताया जाए, और उसके साथ ये भी ध्यान में रखा जाए कि जितना संभव हो सके लोग सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।